बेली पार्क पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से हरियाणा निर्मित लगभग 2.5 लाख का अवैध शराब बरामद किया, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी साउथ विपिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 18 जून को पुलिस लिखा हुआ एक टेम्पो ट्रेवल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको थाने पर लाने के बाद उसकी सीट के नीचे से अवैध नकली शराब लगभग 4,748 बोतल बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया एक टेम्पो ट्रेवलर है जो जिसपे DL1C और VC ऐसा करके लिखा हुआ है, 100 नंबर है उसका। वो रात में आ रही थी सहजनवा की तरफ से इधर बेली पार्क की बागा गाड़ा की तरफ, तो उसका टायर पंचर हो गया और गाड़ी वहाँ पे रुक पलट गई है, मतलब उसमें उसका ड्राइवर इंजर्ड हो गया और थाना को पता चला। थाना गए, थाना वहाँ पे थाना जब प्रभारी गए हैं, प्रभारी निरीक्षक, तो उन्होंने देखा तो वहाँ पे उस गाड़ी को थाने ले आए। थाने गाड़ी आने पे इन्होंने सर्च किया गाड़ी में, तो इन्हें गाड़ी में सीट के नीचे वो एक कैविटी बना के पूरे उसको टेम्पो ट्रेवलर में अवैध शराब मिली है, जिसके करीब ये 4,748 बोतल उसमें प्राप्त हुई है। ये पौआ जो है ये अभी ड्राइवर से अभी चूँकि इंजर्ड है, उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो ड्राइवर है ये बागपत का रहने वाला है, इसलिए संभव है कि हरियाणा और उधर से कहीं से ये नकली शराब बना के और इधर ला के बिहार के लिए सप्लाई करते हैं। अनुमानित लागत इसकी लगभग 2.5 लाख के करीब है।